हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर आए हो अग्निवीर आर्मी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके 15 क्वेश्चन, जो आपका ओरिजिनल पेपर से उठा कर लेकर आया हूँ। देख लीजिए, PBRCR में बार बार पूछा जाता है, वही प्रश्न पत्र से लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके 15 क्वेश्चन। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप GD, ट्रेडमैन, नर्सिंग, क्लर्क जो भी पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लीजिए, यहाँ पे 15 क्वेश्चन रखा गया है, 15 में आपका टारगेट कितना रहेगा? टारगेट रहेगा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन तो ज़रूर आना चाहिए आपका इसी पेपर में, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा। और जिस बंदा हमारा चैनल में नए हो और अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हो, वो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा आपका पास। तो दोस्तों देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 2 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो गंगा रिवर होगा, गंगा नदी होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस फोक डांस ऑफ उड़ीसा। देख लीजिए, उड़ीसा राज्य का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो क्या है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे तो आप ऑप्शन देखकर ही बता देगा। ऑप्शन 3 होगा सॉरी आंसर, ओडिसी होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एलुमिनियम। देख लीजिए, एलुमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 2 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो बॉक्साइट होगा सॉरी आंसर, बॉक्साइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों अच्छा तरह पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द गोरा बुक। देख लीजिए, गोरा पुस्तक का लेखक कौन है। यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं उठाया गया, सभी के सभी आपका ओरिजिनल पेपर से उठाकर लेकर आया हूँ। देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका अग्निवीर के लिए। तो दोस्तों बता दीजिए, चारों ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो रविंद्रनाथ ठाकुर होगा सॉरी आंसर, रविंद्रनाथ ठाकुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। ये प्रश्न आपका कितना बार पूछा गया, आप ओरिजिनल पेपर देखेगा तब आपका याद आ जाएगा। तो दोस्तों बता दीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाला गेंडा है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, राइनो होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड व्हिच स्टेट। देख लीजिए, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कौन से राज्य में स्थित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन 2 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो आंध्र प्रदेश होगा सॉरी आंसर, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड इन। देख लीजिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो कर्नाटका होगा सॉरी आंसर, कर्नाटका इज द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आपका एक बात बता देता हूँ, हमारा जो इंडियन आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है हमारा देश में, अग्निवीर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो जो बच्चे, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आप इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, आप जितने भी चाहिए आपका जो ARO है, आपका जो ARO अर्थात BRO जो भी है, आपका पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर आप पढ़ लिएगा तो आपका अंदाज हो जाएगा एक किस तरह प्रश्न पूछा जाता है, और वही प्रश्न 5 साल का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वही प्रश्न आप पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा तरह क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमारा टीम आपका लिए लेकर आया है 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ था आपका, जो भी ARO है, आप कोई भी इंडिया का जो भी ARO है आप एक बार बता दीजिए आपका ARO का नाम। हमारा पास है ARO का 5 सालों का क्वेश्चन, आप चाहे तो खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया में आप खरीद सकते हो। इसी नंबर पे कॉल करके आपका पूछना है आपका किसना कौन से ARO है, राजस्थान का है क्या, वेस्ट बंगाल का है, और बहुत ही
यारो है वो, यारो का क्वेश्चन आपका, यारो का क्वेश्चन चाहे तो जरूर एक बार कॉल करके आप पूछ सकते हो। हमारा यारो का है, मैक्सिमम यारो का ही है हमारा पास, आप चाहे तो आप खरीद सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, देख लीजिए 5 ईयर का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया हमारा पास है। इसी नंबर पे कॉल करना होगा आपको। देख लीजिए हमारा PDF, जो वही ओरिजिनल पेपर उठाकर हमें PDF बना दिया, जो पार्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है वही बना दिया। देख लीजिए PDF किस तरह है। तो दोस्तों ये हमारा PDF का फ्रंट पेज है, देख लीजिए यहाँ पे आपका, देख लीजिए ये आपका ERO बहरमपुर है जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है, और जिस बंदा ERO बहरमपुर का है वो आप खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया में। देख लीजिए इसी तरह आपका आसाम, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी राज्य है वहाँ से आपका ERO का नाम बता दीजिए, आपका ERO का क्वेश्चन आपका पास मिल जाएगा जस्ट 89 रुपया में आपका मिल जाएगा, 1100+ क्वेश्चन मिल जाएगा। देख लीजिए आप जरूर एक बार, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पे कॉल करके आप खरीद सकते हो। देख लीजिए ये जनरल ड्यूटी का है, देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरह रहेगा देख लीजिए, बहुत ही अच्छा तरह क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन रहेगा आपका ओरिजिनल पेपर से जो क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ये सभी के सभी ओरिजिनल पेपर है, आप खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया में। 5 ईयर का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया जो भी है, ट्रेडमेंट, क्लर्क, नर्सिंग, और सभी के सभी ओरिजिनल पेपर से उठाकर बना दिया। आप ट्रेडमेंट के लेकर चाहते हो तो ट्रेडमेंट के लेकर ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पर कॉल करके आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों इसी नंबर पे कॉल करना होगा, कॉल टाइम आपका अवेलेबल है, आप जब मन चाहे तब कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट व्हिच स्टेट, देख लीजिए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सॉटिक आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चारों ऑप्शन में सॉटिक आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन 4 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो आपका ओरिजिनल पेपर में जो ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका उड़ीसा दिया हुआ था, उड़ीसा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ बॉक्सर, देख लीजिए बॉक्सर का लड़ाई कब हुआ था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 1764 में हुआ था बॉक्सर का लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले महिला अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो एनी बसंत होगा सॉरी आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, देख लीजिए हमारा PDF में है, ये ओरिजिनल पेपर से उठा गया। देख लीजिए छत्तीसगढ़ का जो राजधानी का नाम क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 4 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो रायपुर होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले इसी प्रश्न पत्र आपका ज़्यादा से पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और वही मोटिवेशन काम पे लगा कर आपके लिए डेली के डेली ओरिजिनल पेपर ढूंढ के देता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फास्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल बी कनेक्टेड, देख लीजिए भारत का पहले बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चली बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत अच्छा, जो मुंबई टू अहमदाबाद, ये भी आपका ओरिजिनल पेपर से ही उठा गया, और आपका जो ओरिजिनल पेपर का ऑप्शन दिया हुआ था चार ऑप्शन वही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस हाउ मेनी ईयर, देख लीजिए ऊपर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत अच्छा, जो 5 ईयर होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट एक्सटर्नल मिनिस्टर इन इंडिया, देख लीजिए भारत का वर्तमान विदेश मंत्री कौन है बता दीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में सॉरी आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप ऑप्शन 2 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो सुब्रमण्यम
जयशंकर होगा सॉरी आंसर, इस जयशंकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला पास इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। देख लीजिए नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, सिक्किम होगा सॉरी आंसर। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन हो गए हैं, 15 में कितना क्वेश्चन आता है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और हमारा जो पिछले 5 ईयर का क्वेश्चन है आप खरीद चाहे तो खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पे कॉल करके आपका ईआरओ का नाम बता दीजिए, उसका ईआरओ का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया आपका पास चला जाएगा। तो दोस्तों जरूर एक बार कॉल कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।